हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कैरियर। फ्रेंड्स, आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर माइक की अनबॉक्सिंग करूँगा। VOYA1 का जो माइक है बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। वैसे मेरे पास ये पहले ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो अभी नया माइक मंगवाया मैंने, अमेजोन से मंगवाया। ये वाला माइक था मेरे पास, लेकिन अभी एक और मंगवाया, उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। काफी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था और भी काम होते हैं, आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं उस जो माइक है उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। माइक क्यों जरूरी होता है? माइक इसीलिए जरूरी होता है ताकि बढ़िया से आपकी साउंड क्वालिटी, उसकी अच्छी क्वालिटी तो आप वीडियो को दे देते, लेकिन उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसे उसको बढ़िया से करें, उसके लिए एक माइक की ज़रूरत होती है। तो वो माइक कौन सा रहेगा बेटर आपके लिए, अच्छा रहेगा, वो माइक बताता हूँ आपको। तो ये मैंने माइक मंगवाया था अमेजोन से, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए करते हैं अभी। उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी वो लगाएंगे हम, इसमें क्या क्या निकलता है वो दिखाते हैं। तो ये माइक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये देख सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है फ्रेंड। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ये माइक को, इसको पहले वाले को यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि क्वालिटी आपको अच्छी सी मिलती है। इसके अंदर एक तो माइक निकलेगा ये वाला, देख सकते हो, इसकी वायर काफ़ी लंबी है, लगभग 20 फीट की होगी, तो बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये माइक है, इसको रखते हैं साइड में। अब इसके अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर, ये कुछ सिलिकॉन का कुछ होता है, सिलिका होता है ताकि ये वेट ना हो। अभी ये देखो, ये अच्छा सा केस मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर माइक को हम बढ़िया से प्रॉपरली रख सकें ताकि यूज़ करने के बाद ऐसे इसको रख सकें, कह सकते हैं देसी भाषा में ये पोटली मिली है। तो इसके अंदर देखो, ये इंजेक्टर मिले हैं दो, एक सेल। तो इसके अंदर क्या क्या निकला, ये देखो, नॉइस रिड्यूसर, यानी कि बाहर से जो भी साउंड आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, वो कहाँ भाग रहा है, ये देखो, ये वाला है, ये माइक के ऊपर लग जाता है। जैसे ये मेरे पहले वाला था, उसका कहीं खो गया था, तो इसको ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लग जाएगा, ये निकला है। और क्या है, ये क्लिप है इस माइक को होल्ड करने के लिए, और ये इसका दूसरा क्या बोलते हैं इसको, माइक को कहीं पे भी आपने देखा होगा डीजे वाले जो साउंड वाला होता है ना, उसके अंदर लगा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इसको इंजेक्ट करने के लिए है, या फिर लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं इसको, इस माइक की पिन को लगा सकते हैं। ये सेल है ताकि आप DSLR पे इसको चलाएं तो इसको आप इसके अंदर डाल सकते हो, ये देख सकते हो, यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसको ऐसे ओपन करके, जैसे ये ओपन हो रहा है तो इसके अंदर डाल सकते हो इसको, ये सेल डालने के लिए इसके अंदर स्पेशल दे रखा है, ठीक है। तो ये तभी चलाना होता है जब इसके अंदर कैमरा यूज होता है। तो इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसके अंदर एक स्विच दिया हुआ है कैमरे का, ये देख सकते हो, कैमरे का दे रखा है, स्मार्टफोन का दे रखा है, तो आपने कहाँ पे कर लेना है इसको, स्मार्टफोन पे कर लेना है। अभी इसको कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड्स, क्या इसकी कैसी साउंड क्वालिटी है कैसी नहीं, तो अभी दिखाता हूँ आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी। इसको करता हूँ रिमूव और इसको लगा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी जो इसकी साउंड क्वालिटी आपके सामने आप सुन सकते हो कैसी है, क्योंकि मैंने भी अभी सुनी नहीं है क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी सुन के देखूँगा कि क्या फ़र्क है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा निकला या कई बार क्या डिफेक्टिव भी निकल जाता है, तो वो अभी चेक कर रहा हूँ। आप बताना आप कमेंट करके कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, कैसा है। तो इसके ऊपर जो लगता है फ्रेंड्स, ये वाला जो नॉइस रिड्यूसर, इसको लगा सकते हो आप ऐसे। अभी क्या इसका क्लिप है, ये वाला क्लिप है, तो इस क्लिप को भी आप इस पे इजीली लगा सकते हो। कैसे लगेगा वो बता देता हूँ आपको, वो तो आप लगा ही लोगे, आपके पास आ जाएगा। तो इंडिया में काफ़ी जुगाड़ हुए हैं, ये ऐसे लग गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो कॉलर में, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ये वायर अंदर से करके इसको कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और ये बोया का जो M1 माइक है वो मेरे को 799 रुपये में मिला है, तो आप भी अमेजोन से परचेज